आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्रतापूर्वक करबद्ध आग्रह करती हूँ कि कृपया अपने प्रेरणादायक शब्दों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। हरे कृष्णा। आज के इस पुण्य अवसर पर हमारे साथ जुड़ रहे देश के संस्कृति मंत्री श्रीमान जी किशन रेड्डी जी, इस्कॉन ब्यूरो के प्रेसिडेंट श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी और दुनिया के अलग अलग देशों से हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथी कृष्ण भक्तगण, परसों श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी और आज हम श्रील प्रभुपाद जी की 125वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। ये ऐसा है जैसे साधना का सुख और संतोष दोनों एक साथ मिल जाए, इसी भाव को आज पूरी दुनिया में श्रील प्रभुपद स्वामी ने लाखों करोड़ों अनुयायी और लाखों करोड़ों कृष्ण भक्त स्वाभाविक रूप से अनुभव कर रहे हैं। मैं सामने स्क्रीन पर अलग अलग देशों से आप सब साधकों को देख रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे लाखों मन एक भावना से बंधे हो, लाखों शरीर एक कॉमन कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हो। ये वो कृष्ण कॉन्शियसनेस है जिसकी अलख प्रभुपाद स्वामी जी ने पूरी दुनिया तक पहुंचाई। साथियों, हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद स्वामी एक अलौकिक कृष्ण भक्त तो थे ही, साथ ही वो एक महान भारत भक्त भी थे। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया था। उन्होंने असहयोग आंदोलन के समर्थन में स्कॉटिश कॉलेज से अपना डिप्लोमा तक लेने से मना कर दिया था। आज ये सुखद संयोग है कि देश ऐसे महान देशभक्त का 125वां जन्मदिन एक ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व अमृत महोत्सव मना रहा है। श्रील प्रभुपाद स्वामी हमेशा कहते थे कि वो दुनिया के देशों में इसलिए भ्रमण कर रहे हैं क्योंकि वो भारत की सबसे अमूल्य निधि दुनिया को देना चाहते हैं। भारत का जो ज्ञान विज्ञान है, हमारी जो जीवन संस्कृति और परंपराएं हैं, उसकी भावना रही है अथभूत दयाम प्रति, अर्थात जीव मात्र के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए हमारे अनुष्ठानों का भी अंतिम मंत्र यही होता है, इदम न मम, यानी ये मेरा नहीं, ये अखिल ब्रह्मांड के लिए है, संपूर्ण सृष्टि के हित के लिए है। और इसलिए स्वामी जी के पूज्य गुरु जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने उनके अंदर वो क्षमता देखी, उन्हें निर्देश दिया कि वे भारत के चिंतन और दर्शन को दुनिया तक ले जाएं। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के इस आदेश को अपना मिशन बना लिया और उनकी तपस्या का परिणाम
आज दुनिया के कोने कोने में नजर आता है। अमृत महोत्सव में भारत ने भी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ ऐसे ही संकल्पों को अपनी आगे की यात्रा का आधार बनाया है। हमारे इन संकल्पों के केंद्र में, हमारे इन लक्ष्यों के मूल में भी वैश्विक कल्याण की ही भावना है और आप सभी इसके साक्षी हैं कि इन संकल्पों की पूर्ति के लिए सबका प्रयास कितना आवश्यक है। आप कल्पना कर सकते हैं, अगर प्रभुपाद जी ने अकेले विश्व को इतना कुछ दिया है तो जब हम सब उनके आशीर्वाद से एक साथ प्रयास करेंगे तो कैसे परिणाम आएंगे। हम जरूर मानवीय चेतना के उस शिखर तक पहुंचेंगे जहां से हम विश्व में और बड़ी भूमिका निभा सके, प्रेम के संदेश को जन जन तक पहुंचा सके। साथियों, मानवता के हित में भारत दुनिया को कितना कुछ दे सकता है, आज इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है विश्व भर में फैला हुआ हमारा योग का ज्ञान, हमारी योग की परंपरा, भारत की जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है, आयुर्वेद जैसे जो विज्ञान है। हमारा संकल्प है कि इसका लाभ पूरी दुनिया को मिले। आत्मनिर्भरता के बीच इस मंत्र की श्रील प्रभुपाद अक्सर चर्चा करते थे, उसे भारत ने अपना ध्येय बनाया है और उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। मैं कई बार जब आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लक्ष्यों की बात करता हूं तो मैं अपने अधिकारियों को, बिजनेसमैन को इस्कॉन के हरे कृष्ण मूवमेंट की सफलता का उदाहरण देता हूं। हम जब भी किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहां जब लोग हरे कृष्ण बोलकर मिलते हैं तो हमें कितना अपनापन लगता है, कितना गौरव भी होता है। कल्पना करिए, यही अपनापन जब हमें मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के लिए मिलेगा तो हमें कैसा लगेगा। इस्कॉन से सीखकर हम इन लक्ष्यों को भी हासिल कर सकते हैं। साथियों, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिहि विद्यते, अर्थात ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान को इस सर्वोच्चता देने के बाद उन्होंने एक और बात कही थी, मैव मन अधस्तत्व मई बुद्धिम निवेशय, यानी ज्ञान विज्ञान को हासिल करने के बाद अपने मन को, बुद्धि को कृष्ण में लगा दो, उनकी भक्ति में समर्पित कर दो। ये विश्वास, ये बल भी एक योग है जिसे गीता के 12वें अध्याय में भक्ति योग कहा गया है। और इस भक्ति योग का सामर्थ्य बहुत बड़ा होता है। भारत का इतिहास भी इसका साक्षी है। जब भारत गुलामी के गहरे गर्त में फंस गया था, अन्याय, अत्याचार और शोषण से पीड़ित भारत अपने ज्ञान और शक्ति पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था, तब ये भक्ति ही थी जिसने भारत की चेतना को जीवंत रखा,
भारत की पहचान को अक्षुण्ण रखा। आज विद्वान इस बात का आकलन करते हैं कि अगर भक्ति काल की सामाजिक क्रांति न होती तो भारत न जाने कहां होता, किस स्वरूप में होता। लेकिन उस कठिन समय में चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने हमारे समाज को भक्ति की भावना से बांधा। उन्होंने विश्वास से आत्मविश्वास का मंत्र दिया। आस्था के भेदभाव, सामाजिक ऊंच नीच, अधिकार अनाधिकार, भक्ति ने इन सबको खत्म करके शिव और जीव के बीच एक सीधा संबंध बना दिया। साथियों, भारत के इतिहास का अध्ययन करें तो आप ये भी पाएंगे कि भक्ति की इस डोर को थामे रहने के लिए अलग अलग कालखंड में ऋषि, महर्षि और मनीषी समाज में आते रहे, अवतरित होते रहे। एक समय अगर स्वामी विवेकानंद जैसे मनीषी आए जिन्होंने वेद वेदांत को पश्चिम तक पहुंचाया, तो वहीं विश्व को जब भक्ति योग को देने की जिम्मेदारी आई तो श्रील प्रभुपाद जी और इस्कॉन ने इस महान कार्य का बीड़ा उठाया। उन्होंने भक्ति वेदांत को दुनिया की चेतना से जोड़ने का काम किया। यह कोई साधारण काम नहीं था। उन्होंने करीब 70 साल की उस उम्र में इस्कॉन जैसा वैश्विक मिशन शुरू किया। जब लोग अपने जीवन का दायरा और सक्रियता कम करने लगते हैं, यह हमारे समाज के लिए और हर व्यक्ति के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। कई बार हम देखते हैं लोग कहने लगते हैं कि उम्र हो गई, नहीं तो बहुत कुछ करते, या फिर अभी तो सही उम्र नहीं है ये सब काम करने की। लेकिन प्रभुपाद स्वामी अपने बचपन से लेकर के पूरे जीवन तक अपने संकल्पों के लिए सक्रिय रहे। प्रभुपाद जी समुद्री जहाज से जब अमेरिका गए तो वो लगभग खाली जेब थे। उनके पास केवल गीता और श्रीमद् भागवत की पूंजी थी। रास्ते में उन्हें दो दो बार हार्ट अटैक आया यात्रा के दरमियान। जब वो न्यूयॉर्क पहुंचे तो उनके पास खाने की व्यवस्था भी नहीं थी, रहने का तो ठिकाना ही नहीं था। लेकिन उसके अगले 11 सालों में दुनिया ने जो कुछ देखा, श्रद्धेय अटल जी के शब्दों में कहें तो अटल जी ने इनके विषय में कहा था, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज दुनिया के अलग अलग देशों में सैकड़ों इस्कॉन मंदिर है। कितने ही गुरुकुल भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाए हुए हैं। इस्कॉन ने दुनिया को बताया है कि भारत के लिए आस्था का मतलब है उमंग, उत्साह और उल्लास और मानवता पर विश्वास। आज अक्सर दुनिया के अलग अलग देशों में लोग भारतीय वेशभूषा में कीर्तन करते दिख जाते हैं। कपड़े सादे होते हैं, हाथ में ढोलक मंजीरा जैसे वाद्य यंत्र होते हैं, हरे कृष्ण का संगीतमय कीर्तन होता है और सब एक आत्मिक शांति में झूम रहे होते हैं। लोग देखते हैं तो उन्हें यही लगता है कि शायद कोई उत्सव या आयोजन है। लेकिन हमारे यहां तो ये कीर्तन, ये आयोजन जीवन का सहज हिस्सा है। आस्था का ये उल्लासमय स्वरूप निरंतर पूरी दुनिया में लोगों को आकर्षित करता रहा है। ये आनंद आज स्ट्रेस से दबे विश्व को नई आशा दे रहा है।
साथियों, गीता में भगवान कृष्ण का कथन है, अद्वेष्टा सर्व भूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख शमी। अर्थात जो जीव मात्र से प्रेम करता है उनके लिए करुणा और प्रेम रखता है, किसी से द्वेष नहीं करता, वही भगवान को प्रिय है। यही मंत्र हजारों सालों से भारत के चिंतन का आधार रहा है और इस चिंतन को सामाजिक आधार देना का काम हमारे मंदिरों ने किया है। इस्कॉन मंदिर आज इसी सेवा परंपरा के आधुनिक केंद्र बनकर उभरे हैं। मुझे याद है जब कच्छ में भूकंप आया था तो किस तरह इस्कॉन ने लोगों की सेवा के लिए आगे बढ़कर काम किया था। जब भी देश में कोई आपदा आई है, चाहे वो उत्तराखंड की त्रासदी हो या उड़ीसा और बंगाल में साइक्लोन की तबाही, इस्कॉन ने समाज का संबल बनने का काम किया है। कोरोना महामारी में भी आप करोड़ों मरीजों, उनके परिजनों और प्रवासियों के लिए लगातार भोजन और दूसरी जरूरतों की व्यवस्था करते आ रहे हैं। महामारी के अलावा भी लाखों गरीबों के भोजन और सेवा का अनवरत अभियान आपके माध्यम से चलता रहता है। जिस तरह से इस्कॉन ने कोविड मरीजों के लिए अस्पताल बनाए और अब वैक्सीन अभियान में भी सहभागिता निभा रहे हैं, उसकी भी जानकारी मुझे लगातार मिलती रहती है। मैं इस्कॉन को, इससे जुड़े सभी भक्तों को आपके इस सेवा यज्ञ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आप सत्य, सेवा और साधना के मंत्र के साथ न केवल कृष्ण सेवा कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय आदर्शों और संस्कारों के ब्रांड एम्बेसडर की भी भूमिका निभा रहे हैं। भारत का शाश्वत संस्कार है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। यही विचार इस्कॉन के जरिए आज आप सभी का, लाखों करोड़ों लोगों का संकल्प बन चुका है। ईश्वर के प्रति प्रेम और जीव मात्र में ईश्वर के दर्शन, यही इस संकल्प की सिद्धि का मार्ग है। यही मार्ग हमें विभूति योग अध्याय में भगवान ने बताया है। हमें विश्वास है कि वासुदेवः सर्वम का ये मंत्र हम अपने जीवन में भी उतारेंगे और मानव मात्र को भी इस एकता की अनुभूति कराएंगे। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।